नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसी के साथ विकास की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2001 से गुजरात के विकास की जो अविरत यात्रा शुरू हुई थी वो सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को 23 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विकास की राजनीति का नया अध्याय रचा। तो वही गोवा में आरएसएस के पूर्व राज्य यूनिट प्रमुख सुभाष वेलिंगकर ने एक बयान के बाद विवाद पड़ गया। रविवार को क्रिश्चियन कम्युनिटी ने प्रदर्शन करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। वेलिंगकर ने 3 दिन पहले कहा था कैथोलिक मिशनरी संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संत को गोवा का संरक्षक नहीं कहा जा सकता। वहीं इस मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा गोवा में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। तो भारत के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने के इरादे से राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू रविवार को दिल्ली पहुंचे। यहां विदेश मंत्री ए जयशंकर ने उनसे मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। इस बीच सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद मोइजू का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया। वहीं इसके बाद वो हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की बात की है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के फाइनेंसर हेमंत सूद और आपके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा घर पर आज सुबह ईडी ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट जेंडर घोटाले में भारत भूषण आशु का नाम आने के बाद ईडी ने मामले की जांच की। इसके बाद ईडी के सामने कई विदेशी लेन देन आए। ईडी लगातार राज्यसभा सांसद अरोड़ा और हेमंत सूद से पूछताछ कर रही है। उनकी संपत्तियों का रिकॉर्ड भी जुटाया जा रहा है। इस मामले में राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए कहा कि मैं एजेंसी के साथ जांच में पूरा सहयोग करूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने भी पोस्ट कर केंद्र सरकार को रेड का जिम्मेदार ठहराते हुए लिखते हैं कि आज फिर मोदी ने अपने तोते मैना को खुला छोड़ दिया। फिलहाल ईडी के किसी अधिकारी ने इस मामले की पुष्टि नहीं की है। तो वहीं हरियाणा के नूह जिले में वोटिंग के अगले दिन 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया और गोलियां भी चलाई। इस बीच खेल रहे एक 14 साल के किशोर को गोली लग गई। किशोर को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं पुन्हाना थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में 15 लोगों के नाम जद किए गए हैं। पुन्हाना थाना प्रभारी जंगशीर सिंह ने बताया कि उम्मीदवार मोहम्मद इलियास के समर्थक हाकम और निर्दलीय उम्मीदवार रहीशा खान के समर्थक मुबारक के बीच झगड़ा हुआ था। तो वहीं चेन्नई में एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आ रहा है। बता दें जहां भारी भीड़ और गर्मी की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए। वहीं सुब्रमण्यम ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टरों और नर्सों के साथ 2 मेडिकल टीमें तैनात थी, साथ ही 40 एम्बुलेंस भी खड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा कि मरीना बीच पर पैरामेडिकल टीमों और पीने के पानी की उचित व्यवस्था भी की गई थी। दरअसल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस से पहले 6 अक्टूबर को चेन्नई में एक एयर शो कराया गया जिसे देखने के लिए मरीना बीच पर 15 लाख लोग जमा हुए। भारी भीड़ के चलते इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया है। पश्चिम बंगाल में 10 साल की बच्ची की रेप और मौत के मामले में आरोपी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
जहां घटना से पहले आरोपी को एक दुकान में देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में 19 साल का आरोपी गुलाबी शर्ट पहने हुए दिखा। दरअसल जयनगर के कृपाखाली इलाके के कुटताली थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने 5 अक्टूबर को बच्चे का शव बरामद किया। वो चौथी क्लास की छात्रा थी। परिवार ने बच्चे से रेप के बाद मर्डर का आरोप लगाया। घटना के विरोध में भीड़ ने महेशमारी पुलिस चौकी में आग लगा दी और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। दूसरी तरफ घटना के विरोध में भाजपा नेताओं ने आज जिले में विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा, जब तक कि हमारी बेटी के रेप और हत्या के सभी आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। तो वही साइबर सुरक्षा फर्म क्विक हील के एंटीवायरस लाइनअप की रणनीति और उत्पाद संरक्षक प्रमुख स्नेहा काटकर कहती हैं, आज साइबर अपराधी मैन्युअली काम नहीं कर रहे हैं, वे हमलों के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बेहद होशियार लोग भी इनके शिकार हो जाते हैं। बता दें, ये लोगों के लिए ही नहीं, संगठनों के लिए भी खतरे की घंटी है। काटकर कहती हैं कि स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की निजी जानकारियां लीक होना इस खतरनाक रवैये का हालिया उदाहरण है। इसने टेलीग्राम चैट बॉक्स पर ग्राहकों की संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी सार्वजनिक कर डाली। वही अब ऐसे एआई वाले साइबर हमलों के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा उपायों की तत्काल जरूरत का अब वक्त आ पहुंचा है। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।